तो दोस्तों, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम सीतावनी के इस घने जंगल से। तो चलते हैं यहाँ टेढ़ा चौकी से कुछ आगे की ओर से और जाएंगे यहाँ से पहाड़ी तक, लाल पहाड़ी तक, और देखते हैं रास्ते में जो भी वाइल्ड लाइफ दिखती है और क्या है जंगल का माहौल। तो चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, एक बार फिर निकल चुके हैं हम अपने अगले सफर पे और देखते हैं यहाँ सीतावनी के डेंस फॉरेस्ट में क्या देखने को मिलता है। हो सकता है कि वाइल्ड लाइफ की भी मूवमेंट दिख जाए, क्योंकि वैसे तो मुश्किल ही है, क्योंकि ये जो झाड़ियाँ आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो चुकी हैं रोड किनारे, और इससे क्या होता है जो अंदर की विजिबिलिटी होती है वो 100 मीटर से भी कम की हो जाती है। तो अचानक अगर वाइल्ड लाइफ रोड क्रॉस करके दूसरी ओर जाती है तो ही दिख सकती है, और बाकी अपनी किस्मत है कि क्या देखने को मिल जाए। देखने को कुछ भी दिख सकता है और ना देखने को कुछ भी नहीं। तो चलते हैं और देखते हैं कि आज किस्मत में क्या है। और जंगल जंगल तो आप देख ही सकते हैं, और यहाँ का मौसम भी आज खिली धूप है, और जंगल में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी हो रही है, उमस सी। जहाँ धूप खिली है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी और उमस हो रही है। तो हो सकता है कि वाइल्ड लाइफ बाहर की ओर भी निकल के आए। और बाकी आप जंगल तो देख ही सकते हैं, ये हरा भरा जंगल बरसात के बाद का, और अब मौसम ने भी काफ़ी ज़्यादा करवट ले रखी है। अब शाम के वक्त काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम, और मौसम में कुछ धुंध सी भी शाम के वक्त दिखाई दे रही है। तो चलते हैं, इधर बोर्ड लगा है सावधान, आगे काजवे हैं। तो दोस्तों, ये काजवे वही रपटे हैं जिनमें अक्सर बरसातों के टाइम तेज़ बहाव से पानी भी आ जाता है। तो सावधानी से पार करें, और बाकी चलते हैं इस घने जंगल में और देखते हैं कि क्या है टाइगर और लेपर्ड की मूवमेंट। इधर की साइड एक टाइगरस भी अपने 3 बच्चों के साथ घूम रही है। तो चलते हैं और देखते हैं क्या देखने को मिलता है। दोस्तों, इधर की साइड बोर्ड लगा है भलौन 19 किलोमीटर, बकराकोट 19 किलोमीटर, भंडार पानी 12 किलोमीटर। तो चलते हैं आज आगे की ओर और देखते हैं कहां तक ये जंगल सफारी करेंगे। तो दोस्तों, अभी कुछ बच्चे बड़ी तेज़ रफ्तार में स्कूटी निकाल के ले गए। तो इधर की साइड जो है जंगल में स्पीड का खास ध्यान रखें, 20-30 से ऊपर ना चलाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है अचानक वाइल्ड लाइफ रोड क्रॉस करके जाती है दूसरी ओर, तो वो भी चोटिल हो सकती है और आपको भी हानि हो सकती है। तो दोस्तों, इन बातों का हमेशा जंगल में ध्यान रखें, और ये जंगल है यहाँ कहीं भी कुछ भी अचानक निकल के सामने आ सकता है। कई बार टाइगर और एलिफेंट से भी आपकी मुठभेड़ हो सकती है, इसलिए धीरे धीरे चलें और चारों तरफ जंगल में निगाह अपनी तेज रखें। तो चलते हैं कुछ और आगे और देखते हैं क्या वाइल्ड लाइफ की देखने को मिलती है और क्या है जंगल का माहौल। तो दोस्तों, हम कुछ और आगे आ चुके हैं, और यही वो जगह है जहां एक बार एक टाइगर ने अंदर घने जंगल से निकल के और करा था जिप्सी पे चार्ज। वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, आपने देखी होगी, और अचानक और जिप्सी में जो सवारी बैठी थी वो काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर डर का माहौल पैदा हो चुका था। तो जिप्सी वाला कह रहा है अल्लाह मत काटो, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब आप वाइल्ड लाइफ से या जानवरों से डरेंगे तो आपको और ज़्यादा डराने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों, शांत रह के और उसकी आंखों में आंखें डाल के खड़े रहें और हल्ला बिल्कुल ना काटें, तो वो अपने रास्ते निकल के चली जाती है। तो अक्सर ऐसे भी कई बार ये ऐसे मूवमेंट होते हैं जो आप काफ़ी ज़्यादा डर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी गलती ना करें, और जंगल में हमेशा शांत चलते रहें, और जैसी वाइल्ड लाइफ दिखाई दे उससे एक उचित दूरी बना के रखें। तो चलते हैं कुछ और आगे, क्योंकि यह है एक खतरनाक टाइगर की टेरिटरी।
तो यहाँ कहीं भी टाइगर घूमता रहता है, और कई बार हमने आपको यहाँ पगमार भी दिखाए हैं। हो सकता है कुछ और भी पगमार देखने को मिल जाए, तो चलते हैं आगे की ओर। नीचे की साइड दोस्तों पगमार्ग देखते हुए चल रहे हैं, क्योंकि ऐसी कच्ची मिट्टी पे अक्सर टाइगर और लेपर्ड के पगमार्ग छप जाते हैं। वैसे तो वो रोड रोड चलना पसंद करता है, पर कई बार जब आता है कच्ची मिट्टी की ओर तो वो हमें पगमार्ग भी दिख जाते हैं, और उससे ही पता लगता है कि वो किधर की ओर गया है या क्या है उसका मूवमेंट। और हम पहुँचने वाले हैं ग्रासलैंड। तो दोस्तों ये आ गया यहाँ का खतरनाक ग्रासलैंड। इसी ग्रासलैंड में टाइगर, लेपर्ड और एलिफेंट की भी ज़बरदस्त मूवमेंट दिख जाती है। जाड़ों के टाइम तो कुछ खास तौर से इधर की साइड तगड़ी मूवमेंट रहती है। तो दोस्तों ये है कुछ ग्रासलैंड का व्यू। ये देखिए, ये सामने की साइड जो घना जंगल है, इस जंगल में सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट रहती है, क्योंकि पीछे की साइड है रिवर, और उसी रिवर पे अक्सर पानी पी के और फिर इस घने जंगल में वाइल्ड लाइफ करती है आराम। और इधर की साइड एक बोर्ड भी लगा हुआ है, वहाँ इस जगह वाहनों का प्रवेश एवं ट्रैक्टर ट्राली, सर्च लाइट, ट्रैकिंग करना वाहनों का प्रवेश एवं ट्रैकिंग करना, सर्च लाइट का प्रयोग करना, और ये सब धूम्रपान, मदिरा, ये सब इधर की साइड मना है। तो दोस्तों क्योंकि ये है वाइल्ड लाइफ एरिया पूरा, और अचानक कहीं से भी ये देखिए कितनी ज़्यादा घनी घास हो चुकी है कि इस घास में टाइगर, लेपर्ड या एलिफेंट भी पीछे की साइड हो तो ना दिखाई दे। तो चलते हैं निकल के आगे की ओर, और देखते हैं, हमें जाना है सामने लाल पहाड़ी पे। तो चलते हैं यहाँ से निकल के और देखते हैं कि क्या है जंगल का माहौल। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं जामुन वाले पैच में, और ये जो पैच जितना सुंदर दिखाई देता है उतना ही है खतरनाक, क्योंकि यहाँ कहीं भी आपको अचानक टाइगर की या लेपर्ड की दस्तक मिल सकती है। इधर की साइड कच्ची मिट्टी में कुछ पगमार्ग देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहीं पे अक्सर आपको ऐसी कच्ची जगह पे कुछ पगमार्ग भी दिखाई दे जाते हैं। तो दोस्तों कुछ वाइल्ड लाइफ के पगमार्ग तो दिखाई दे रहे हैं, पर टाइगर या लेपर्ड के पगमार्ग नहीं दिखाई दे रहे। तो हो सकता है कि अभी इधर की साइड ना आया हो, पर ये तो कंफर्म है कि इधर की साइड टाइगर की अच्छी मूवमेंट रहती है, क्योंकि हमने इसी पैच में एक बार मेल टाइगर देखा था जो कि रोड क्रॉस करके गया एक साइड से दूसरी ओर। और इधर ये जो सबसे इधर का नेगेटिव पॉइंट माने कि इधर की साइड की रोड भी बहुत छोटी है, कि अगर अचानक मुठभेड़ हो तो आप भाग भी नहीं सकते, या गाड़ी भी हो तो गाड़ी भी नहीं मोड़ सकते। तो चलते हैं आगे की ओर। ये जो पूरा घना पैच है, इस पैच में कहीं भी आपको टाइगर और लेपर्ड की अच्छी मूवमेंट दिख जाती है। तो चलते हैं निकल के लाल पहाड़ी की ओर। तो दोस्तों ये है बिल्कुल रोड साइड, और यहीं से ये सामने की साइड आप जंगल देख रहे हैं। यहाँ पे एक बार हमें स्पॉटेड डियर के पीछे टाइगर भागता हुआ दिखाई दिया, पर शाम का वक्त था और मोबाइल भी इतना ज़बरदस्त नहीं था कि उसे कैप्चर कर पाए। तो ये जो पूरा एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा कोर टाइगर टेरिटरी है, और यहाँ मेल और फीमेल टाइगर की टेरिटरी भी है। तो यहाँ कहीं भी अचानक कभी भी आपको टाइगर दिख सकता है। तो दोस्तों अक्सर हम कहते हैं कि कुछ नहीं दिखाई दिया, कुछ हमारे सब्सक्राइबर भी कहते हैं कि आप कहते तो रहते हैं कुछ दिखाई नहीं देता, पर दोस्तों जिम कॉर्बेट ने अपनी बुक में टाइगर को जेंटलमैन बताया, तो आप समझ ही सकते हैं कि वो कितना चालाक है। वो छुप के रहता है, पर जैसी आपकी निगाह पड़ती है तो आपके सामने आ जाता है। इन बातों का ध्यान रखें कि टाइगर बहुत ही चालाक होता है, और कहीं से भी अचानक बहुत किस्मत से ही दिखता है। तो चलते हैं यहाँ से निकल के आगे की ओर। और ये देखिए सामने की साइड ये घना जंगल। तो दोस्तों निकल के चलते हैं यहाँ से आगे लाल पहाड़ी की ओर। और ये जो पूरा पैच दिखाई दे रहा है आपको, ये भरपूर वाइल्ड लाइफ से भरा हुआ है, बस
बस दिखना ना दिखना आपके नसीब में। दिखने को एक मिनट में दिखाई दे जाए और ना दिखाई देने को कुछ ना दिखाई दे। तो चलते हैं यहाँ से। और ये जो आपको दिख रहा है एरिया, यहीं से अक्सर वाइल्ड लाइफ क्रॉस करके जाती है दूसरी ओर। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं लाल पहाड़ी की ओर। आप देख ही सकते हैं ऊपर की साइड लाल पहाड़ी। और जब बरसातें होती हैं तेज, तो ये देखिए कितनी ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग होती है। और इधर की साइड पानी का भी तेज़ बहाव रहता है, तो अक्सर क्या होता है कि यहाँ पे जाम भी लग जाता है। ये देखिए आगे की साइड यहाँ से भी पानी का अच्छा बहाव रहता है और ये सब मलबा जाता है नीचे की ओर। तो ऐसे में क्या कि इस रोड क्रॉस करने की गलती ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है ऐसे में तेज़ बहाव के साथ साथ आपकी गाड़ियाँ या बाइकें भी बह सकती हैं। तो चलते हैं यहाँ से निकल के आगे की ओर। पहुंचने वाले हैं हम पानी की टंकी की ओर। और ये सीतावनी का घना जंगल और एक साइड ऊंची ऊंची पहाड़ी और दूसरी साइड नीचे गहरी खाई। और ये खाई की नीचे की साइड है रिवर। तो आप देख ही सकते हैं कि इस रिवर पे भी काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट रहती है। और अक्सर इसी रिवर पे आपको टाइगर और एलिफेंट भी पानी पीते हुए दिख जाएंगे। ये देखिए ये जो ऐसे रास्ते हैं, इन्हीं रास्तों पर अक्सर टाइगर की काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट मिलती है और कई बार लेपर्ड भी आपको इन पहाड़ियों पे छुपा हुआ दिख जाएगा। और रात में ये रास्ते बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि अक्सर क्या होता है लेपर्ड लगातार घात लगा के बैठा होता है और कर देता है आने जाने वाली बाइकों पे हमला। दोस्तों टाइगर अचानक बाइकों पे हमला नहीं करता, पर लेपर्ड अक्सर मौका देख के हमला कर देता है। तो चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सीतावनी के इस पानी की टंकी की ओर। और सामने की साइड आप जंगल देख ही रहे हैं। इसी जंगल में बहुत ज़्यादा टाइगर और लेपर्ड की तगड़ी मूवमेंट रहती है। और कुछ इधर की साइड बाइकें भी रुकी हुई हैं, जो हो सकता है कि नीचे रिवर साइड नहाने गई हों। तो दोस्तों ऐसी गलती ना करें, क्योंकि अक्सर क्या होता है कई बार रिवर साइड पर नहाते नहाते भी वाइल्ड लाइफ पीछे से हमला कर देती है और आप चोटिल भी हो सकते हैं और जान बचाना भी हो सकता है भारी। तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय। और ऐसी सुंदर सुंदर जंगल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।